हरियाणा के नूह में हालिया दंगे के बाद काफी तनाव है। मेवात के इस इलाके में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की अक्सर घटनाएं सामने आती रहती हैं। सोमवार को धार्मिक जुलूस के दौरान हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए। नूह में धार्मिक जुलूस में हुए उद्रव में 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कथित तौर पर होमगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में गुरुग्राम फरीदाबाद जैसे इलाके में अशांति फैल गई। वहीं पुलिस ने कहा कि सोमवार की झड़प में कम से कम 60 लोग घायल हो गए हैं, इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। घायलों में कई पुलिसकर्मी हैं। मेव मुसलमानों के गढ़ में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की स्थिति साल 2016 में भी आई थी, जब 24 अगस्त 2016 को 2 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। मेव मुस्लिम इस इलाके में हमेशा से बड़ी संख्या में रहे हैं। आखिर क्या वजह है यहाँ इनकी इतनी बड़ी आबादी है? मेव मुसलमान पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इनके अस्तित्व को लेकर कई तरह के मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी जड़ें ईरान से हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मीना जनजातियों से हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। 20 लाख मेव ने मुख्य रूप से हरियाणा के मेवात जिले और राजस्थान के निकटवर्ती अलवर और भरतपुर में फैले हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि मेवों ने 15वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न चरणों में इस्लाम धर्म अपनाया था। 1926 में तबलीगी जमात ने हिंदू और इस्लामी दोनों रीति रिवाजों का पालन करने वाले इस समुदाय को उस समय फिर से इस्लामी खेमे में शामिल कर लिया, जब आर्य समाजियों के शुद्धि और संगठन आंदोलन शुरू किया गया था। कद कांटी और पहनावे पर गौर करें तो मेव मुस्लिम मेव फेटा पगड़ी और गैर मेव पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं बुरखा नहीं बल्कि सिर पर हल्का घूंघट रखती हैं। वे हिंदुओं की तरह ही एक गोत्र में शादी करते हैं। कई परिवार अभी भी बच्चों को उनके हिंदू नामों से बुलाते हैं, अमर सिंह, चांद सिंह, सौरभ सिंह, मेव नाम के, जिनमें से खान जैसे टाइटल उनकी मुसलमान पहचान को जाहिर करने के लिए जोड़े गए हैं। बात करें वहीं अगर मेवात के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, मेव मुसलमानों की स्थिति पर गौर करें तो मुगलों की सत्ता स्थापित होने से पहले जब बाबर को भारत पर पकड़ स्थापित करने के लिए अपने 5वें और अंतिम प्रयास में 1 लाख पुरुषों की एक राजपूत सेना का सामना करना पड़ा, तब बाबर ने हसन खान मेवाती से मदद मांगी, जो एक मेव शासक था। हसन खान ने बाबर के धर्मवादी प्रस्तावों को ठुकराने और हिंदू राजा राणा सांगा का पक्ष लेने का फैसला किया था। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 6000 से अधिक मेवों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन ये स्थानीय तानाशाह के साथ झगड़ा था जिसने मेवों को समुदाय की भावना और जागृत कर दिया और मेवों को पहला प्रमाणिक नेता चौधरी मोहम्मद यासीन खां मिला। मेव मुसलमान अलवर आंदोलन को भी अपने स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा मानते हैं। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें एक स्थानीय नेता ब्रिटिश कठपुतली से मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है। नूह के मेवात इंजीनियर कॉलेज में पढ़ने वाले एक युवा मेव आकिब आबिद खान ने मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, मेव अलवर या भरतपुर के राजाओं की तरह पिट्ठू नहीं थे। हम ना तो मुगलों के साथ थे और ना ही हमने अंग्रेजों की गुलामी की। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए।